अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अमेजिंग सी रेसिपी जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जापानीज सीक्रेट्स के बारे में, उनके स्किन केयर सीक्रेट्स के बारे में। उनके क्रीम्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो आज मैं घर पर ही उसके जैसी क्रीम रेडी करने वाली हूँ और उसमें कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, लाइटन अप करेगा, साथ ही साथ स्किन पे यू नो रिंकल्स और फाइन लाइंस की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो मैं बना रही हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइजर भी डाला हुआ है जिससे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी। वीडियो को फुल जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ हमें सबसे पहले लेना है एक बाउल और उसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून कुक्ड राइस। जी हाँ, हम यहाँ कुक्ड राइस ले रहे हैं। ये जो राइस है उसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ ये एक्सफोलिएट बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन को करता है। स्किन को टाइटन अप करने के लिए ये अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे घर पर ही हर वक्त मौजूद होता है। यहाँ इस कुक्ड राइस को ऐड करने के बाद आपको 1 टेबलस्पून ले लेना है मैदा, और यहाँ 4 टेबलस्पून आपको दूध ले लेना है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन से डार्कनेस को दूर करता है। अब इन सारी चीजों को हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल स्मूथली ये पेस्ट बनना चाहिए ताकि एक लेयर हमारे फेस में अप्लाई हो सके। अब हम इसमें डालेंगे आपके फेस को हाइड्रेट करने के लिए, आपके फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए चीजें। तो यहाँ मेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, लाइटन अप करेगी और आपकी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन करेगी, वो है ग्रीन टी ऑयल। ये आपको मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिलेगा, आयुर्वेदिक शॉप में ये आपको मिल जाएगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके 3 to 4 drops आपको इसमें ऐड कर देने हैं। ग्रीन टी में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को हील करने का काम करता है। अच्छा, अगर आपको ये ऑयल ना मिले तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हो तो आप 5 to 6 drops ऑलिव ऑयल का ऐड कर देना। नेक्स्ट आपको ऐड कर देना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें, तो वो आपकी स्किन को हील करने का भी काम करता है, अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो इसमें जो राइस है हो सकता है कि उसकी वजह से आपको ड्राइनेस फील हो, एलोवेरा जेल है वो आपकी ड्राइनेस को दूर करेगा। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए एंड ये आपका रेडी हो गया एक अमेजिंग सा फेस मास्क। तो अब आपको क्या करना है, अपने फेस को पहले वॉश कर लेना, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, देन आपको इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक लेयर की तरह अप्लाई होगा क्योंकि मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। जब लेयर की तरह अप्लाई होता है ये तो बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। जब 15 मिनट्स हो जाए और ये ड्राई हो जाए तो आपको ले लेना है रोज वाटर। यहाँ आपको रोज वाटर लेना है, याद रहे नॉर्मल वाटर आप यूज मत करना, रोज वाटर थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से वेट कर दो रोज वाटर से, और तब आपको मसाज करना है। जब आप इसे मसाज करोगे तो आपको क्रीमी टेक्सचर लगेगा इसका, ऐसा लगेगा कि आप एक क्रीम से अपनी स्किन को मसाज कर रहे हो। तो यस, ये एक तरह का क्रीम ही है जिसे आप मसाज करोगे, तो आपको अच्छी तरीके से मसाज करना है। 2 to 3 minutes तक अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद इसे रिमूव कर लीजिए और डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। इंशाल्लाह आपकी स्किन पे सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में ही बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, खुदा हाफिज, टेक केयर एंड बाय।